हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सीजीडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि एमएससी एमटीएस और हवलदार के लिए जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो आज हम एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हुए हैं। देखेंगे इसमें काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं और आप इससे रिलेटेड आपको हम काफ़ी अच्छे प्रश्न भी इसमें बताएंगे, तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हमारा लक्ष्य है कि अगले माह तक 1000 सब्सक्राइबर हमारे। 2.5 विषयों को 3 सूचियों में विभक्त किया गया है। कितनी? 3 सूचियों में विभक्त किया गया है। तो 3 सूचियों में पहली सूची आपकी कौन सी है? पहली है संघ सूची, संघ सूची। सेकंड नंबर कौन सी है? राज्य सूची, राज्य सूची। और थर्ड नंबर आपकी कौन सी है? समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में आपको क्या दिया गया? भाई आर्थिक नियोजन की सूची शामिल की गई है। देखिए संघ सूची में, संघ सूची में जो मूलतः संविधान जब बना तो कितनी सूचियां थी? 97 थी, 97। कितनी? संघ सूची में मूलतः कुल कितने विषय थे? 97 थे, 97 क्या थे? विषय थे, विषय थे। अब जो है वर्तमान में कितने हो गए? तो 100, याद रखिए। किसके लिए हम बता रहे हैं भाई? ये 100, ठीक है। तो कितने हैं? 100 वर्तमान में हैं। किसके लिए? तो संघ सूची के लिए। अब देखिए राज्य सूची में कितने हैं? तो राज्य सूची में जो जब मूल संविधान में हमारे कितने थे? 66 विषय थे। कितने? 66 विषय थे। तो अब कितने विषय हैं? 61 विषय हैं, ठीक है। तो राज्य सूची में, राज्य सूची में अब जो है हमारे कितने विषय हैं? 61 विषय हैं, ठीक है। अब देखिए समवर्ती सूची आया है, तो समवर्ती सूची में मूल संविधान में कितने थे भाई? कितने थे? कहाँ लिखे? यहाँ लिख देते हैं, 47 थे। कितने? 47। अब वर्तमान में कितने हो चुके हैं? वर्तमान में 52 हैं। कितने? 52 हैं। तो समवर्ती सूची में जो हैं मूल संविधान में आपके 47 थे, जब जो अब वर्तमान में कितने हो गए हैं? 52 विषय हो गए हैं, ठीक। तो इतना आप इसमें याद रखिएगा। चलिए इसको मिटाते हैं तो और बताते हैं इसमें। देखिए अब याद रखना है कि कुछ जो हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो देखिए संघ सूची से कौन कौन याद रखना है? देखिए प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा, ठीक, पहला याद करें। फिर नागरिकता, ठीक, पूरा नहीं लिखेंगे। नागरिकता, परमाणु, ठीक, परमाणु, परमाणु, बीमा, ठीक, बीमा, ये इंपॉर्टेंस है। तो हम संघ सूची बता रहे हैं, शेयर बाजार, शेयर बाजार, और देखिए बैंक और सेवा कर। पूछता है सेवा कर किस सूची में आता है? सेवा कर, ठीक। तो ये कितने हैं? ये सब हम संघ सूची में पढ़ते हैं। फिर एक बार देखिए, प्रतिरक्षा, नागरिकता, परमाणु, बीमा, शेयर बाजार, बैंक, सेवा कर, ये आप किस में पढ़ते हैं? संघ सूची में, ठीक है, संघ सूची में। अब देखिए हम इसको मिटाते हैं, तो फिर राज्य सूची का इंपॉर्टेंस बताते हैं। देखिए राज्य सूची के कौन कौन विषय याद रखना है? देखिए जैसे पुलिस होती है, ये पुलिस हो गई। देखिए भूमि, भूमि याद रखिएगा, ये किस में आती है? राज्य सूची में। लोक स्वास्थ्य, क्या? लोक स्वास्थ्य किस में आती है? राज्य सूची में। देखिए सिंचाई, सिंचाई किस में आती है? राज्य सूची में। गैस, गैस भी आपकी किस में आती है? राज्य सूची में। और मनोरंजन, ये मनोरंजन वाला कई बार पूछा गया, तो मनोरंजन भी आपके राज्य सूची में अंतर्गत आता है। ये सारे विषय किस में आते हैं? राज्य सूची के अंतर्गत में। चलिए अगला बताते हैं। अब देखिए समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची में आप याद रखिए, समवर्ती सूची में क्या कौन कौन आते हैं? जैसे शिक्षा, बहुत इंपॉर्टेंस है, शिक्षा, शिक्षा आता है। और कौन आता है? वन आता है, वन आता है। और जनसंख्या नियोजन, ये भी इंपॉर्टेंस है, जनसंख्या नियोजन, जनसंख्या नियोजन, नियंत्रण व परिवार नियोजन। विद्युत, विद्युत भी आपका समवर्ती सूची में आता है। जो अभी आपका प्रश्न है आर्थिक व सामाजिक नियोजन किस में आता है? समवर्ती सूची में। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए जो संघ सूची का विषय जो है वह किससे होता है? केंद्र से संबंधित होता है। राज्य सूची जो है राज्य द्वारा तैयार किया जाता है, और समवर्ती सूची जिसमें केंद्र और राज्य का दोनों का भाग होता है। लेकिन अगर कोई विवाद होता है तो उसमें आपका कौन सा भाई इसका ज़्यादा मान्य होगा? वो संसद का होगा, मतलब केंद्र वाला भाग ज़्यादा उसका मान्य होगा, राज्य वाला नहीं मान्य होगा, ठीक। तो आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत की तरफ से आने वाले समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो भाई किसने की थी? तो ये पुर्तगाली यात्री थे। कौन? किसने? पुर्तगाली यात्री कौन थे? वास्को डिगामा, वास्को डिगामा ने जो है समुद्री मार्ग की खोज की थी। ये कब आए थे भाई भारत में? 1498 पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर ये पहुंचे थे। और देखिए भारतीय शासक जमोरिन, ये भी आपसे पूछा जाता है, जमोरिन, जो जमोरिन थे वहाँ के शासक ने इनका क्या किए थे? स्वागत किए थे, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहने किस संगठन ने टूल किट ऑन
एना बिलिंग से जेंडर से इस्पोसिव अर्बन मोबिलिटी एंड पब्लिक स्पेस इन इंडिया लॉन्च करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ठीक करें कि संगठन ने टूल किट ऑन एनाबलिंग जेंडर्स रिस्पोसिव अर्बन मोबिलिटी एंड द पब्लिक स्पेस इन इंडिया लॉन्च करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया है। तो किसने भाई किए हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका चलिए यहाँ से ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, कौन? वर्ल्ड बैंक। तो विश्व बैंक जो है ने इसका कार्यक्रम शुरू किया गया है। ठीक, तो इसका जो विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1944 में। और आप इसके मुख्यालय जानते हैं, वाशिंगटन DC अमेरिका में है। और इसके जो मुख्य इस समय वर्तमान में डेविस मालपास है। ठीक है, डेविस मालपास है। ठीक, आइए देखते हैं नीति आयोग आया है। नीति आयोग आया है, देखिए नीति आयोग जो है योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था। योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था, ये कब लाया गया था? एक जनवरी 2015 में नरेंद्र मोदी द्वारा लाया गया था। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में है। देखिए अध्यक्ष जो इसके होते हैं कौन? प्रधानमंत्री होते हैं। अब देखिए अध्यक्ष जान लीजिए प्रधानमंत्री हैं, तो अगर वर्तमान में पूछे तो आप जानते हैं नरेंद्र मोदी आप लगाएंगे, अगर सिर्फ अध्यक्ष पूछता है तो आप वहाँ प्रधानमंत्री ऑप्शन में दिया रहेगा। ठीक, तो इसके अध्यक्ष जो हैं प्रधानमंत्री होते हैं। देखिए नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, देखिए इसके जो उपाध्यक्ष कौन है? श्री सुमन से बेरी जो है इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक, देखिए अब आया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का भी जुलाई 1944 ईस्वी में इसका भी स्थापना हुई। इसकी भी जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन DC में है। देखिए अब आया है वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम। तो ये क्या है भाई? तो ये देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का आयोजन जो है 2023 में इसका आयोजन कहाँ हुआ आपसे पूछ जाए तो 2023 में ये कहाँ हुआ है? दावोस में हुआ है, स्विट्जरलैंड के कहाँ? दावोस में आयोजन हुआ है। 53 जो है ये इसका संस्करण था। और देखिए इसकी थीम क्या थी? खंडित दुनिया में सहयोग। क्या थी? यहाँ पे लिखते थे, इसको मिटाते हैं। क्या थी भाई? खंडित दुनिया में सहयोग। क्या है? सहयोग। ठीक, ये इसकी थीम है 2023 का। चलिए आगे चलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी नंबर। ठीक, ये देखिए कह रहे कि 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भाई कहाँ इसका किया गया है? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, गोवा में। तो 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन गोवा में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। आज देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के नए सभापति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए करंट का क्वेश्चन है, तो किसे? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, जगदीप धनखड़। तो जगदीप धनखड़ को जो है राज्यसभा के नए सभापति चुन लिया गया है। देखिए कल लोकसभा आया था तो उसके बारे में हमने बताया था, आज देखिए राज्यसभा आया तो इसके बारे में बता देते हैं। देखिए राज्यसभा को द्वितीय या उच्च सदन कहते हैं। क्या? उच्च सदन कहते हैं। और देखिए जो आर्टिकल किसमें, इसको आर्टिकल 80 में राज्यसभा को रखा गया है। देखिए अधिक से अधिक सदस्यों की संख्या इसमें कितनी हो सकती है? 250 हो सकते हैं। कितने? 250 हो सकते हैं। वर्तमान में आप कितने हुए? 200 कितने? 45। ठीक है। और देखिए इनका जो कार्यकाल होता है कितने? 6 वर्ष के लिए होता है। कितने? 6 वर्ष के लिए। और उम्र इनकी चुनने की कितनी है? 30 वर्ष। मतलब सदस्य बनने के लिए राज्यसभा के 30 वर्ष उम्र होनी चाहिए। और देखिए एक और पूछता है, कितने सदस्यों को राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो कितने? 12 सदस्य। कितना? 12 सदस्य। तो ये किस वर्ग से आते हैं? जैसे कला वर्ग, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा वर्ग से ये 12 जो है सदस्यों को राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में मनोनीत करता है। ठीक, तो इतना आप याद रखिएगा। आइए चलते आगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 46, यानी विश्व के सबसे बड़े खारे रेगिस्तान में से एक कच्छ का
रण भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भाई किस राज्य में स्थित है बताइए, किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। तो कच्छ का रण जो है लगभग 7500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में क्या हुआ है? फैला हुआ है। विश्व का सबसे बड़े एवं खारे रेगिस्तानों में से एक जो है कच्छ का रण भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर कहीं बी नंबर हो जाएगा। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में पराक्रम दिवस मनाया गया? किस राज्य में? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा, राजस्थान में। देखिए राजस्थान, देखिए पराक्रम दिवस हर साल कितने तारीख को मनाता है? क्या भाई? 23 जनवरी को। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस के जन्मतिथि में कब इनका हुआ था? 1897 में इनका जन्म हुआ था। ठीक, तो ये 23 जनवरी को हर साल पराक्रम दिवस मनाया जाता है। देखिए अंडमान और निकोबार के द्वीपों में जो परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता को जो 21 लोगों के नाम पर नाम परिवर्तित करके रखा गया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा भाई? सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए ये क्या आया है, कहने कि भारत के एक संविधान देने का प्रस्ताव कब संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था? तो कब पारित किया गया था भाई इसको संविधान? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। बी नंबर सही हो जाएगा, 22 जनवरी 1947 को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। और देखिए 26 नवंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान को अपनाया गया था, इसीलिए हर साल संविधान दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो ये आपका कई बार परीक्षा में आया है, तो ये भी इसमें याद रखिएगा। ठीक, तो आप और तो जानते हैं 26 जनवरी 1950 को आपका संविधान लागू हुआ था। आइए चले आगे चलते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन है, कहने कि प्रसिद्ध उपन्यास प्राइड एंड प्रेजुडाइस किसने लिखी है? तो किसने लिखी है भाई? तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर हो जाएगा, जेन ऑस्टेन ने इसको लिखा है। देखिए इसकी जो 1813 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था, इसको जो है 1813 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। इसकी कहानी जो है एलिजाबेथ बेनेटे पर आधारित है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग 712 में किसने सिंध पर विजय प्राप्त की थी? तो भाई सिंध पर विजय किसने प्राप्त की थी? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन हो जाएगा? दी नंबर अरबों ने। देखिए अरब जो है प्रथम मुसलमान आक्रमणकारी थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया 712 ईस्वी में। अरब में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर, देखिए किसने? मोहम्मद बिन कासिम। ये आपसे पूछता है मोहम्मद बिन कासिम ने कब भारत पर आक्रमण किया? ठीक है, बिन कासिम ने 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। उस समय जो सिंध पर आक्रमण किया था, उस समय सिंध के राजा कौन थे? भैया दाहिर थे। तो ये भी याद रखिए, दाहिर जो मतलब उतना पराक्रमी शासक नहीं थे, जिस कारण से यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम ने इनको परास्त कर दिया था। ठीक है, और देखिए मोहम्मद बिन कासिम ने ही सिंध वासियों से प्रथम बार जजिया कर लगाया था। ठीक है, ये भी आपसे पूछा गया कई बार प्रश्न। तो जजिया कर जो है सिंध पर किसने सबसे पहले लगाया था? ये मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक, चले आगे, तो भैया ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस समय सिंध पर जो शासन उस समय कर रहे थे दाहिर थे, भारतीय शासक थे, इनको मोहम्मद बिन कासिम ने हरा दिए। अगला क्वेश्चन है, कहने कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके द्वारा प्रायोजित किए जाते हैं? चलिए देखिए, तो किसके द्वारा प्रायोजित किए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? ए नंबर ही हो जाएगा, राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा। चले आगे, यहाँ देखिए, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं, बड़ा क्वेश्चन है। देखिए कह रहे हैं कि भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए कौन सा सही कथन है? तो कथन यहाँ पे सही है, कह रहे हैं कि यह कई संविधानों का मिश्रण है। बिल्कुल भाई, यही तो सही है,
संविधान जो हमारे अलग अलग देशों से अलग अलग चीज़ें ली गई हैं, तो ये सही है। ये कहने की पूरी तरह से ब्रिटिश संविधान पर आधारित है, नहीं भाई। या केवल देखिए, केवल ओवल आ जाता है तो इसमें क्या हुआ, केवल भारत सरकार का अधिनियम मान रहे हैं, 250 से ज़्यादा आर्टिकल लिए गए हैं, लेकिन केवल इन्हीं से तो गलत हो गया ना। या पूरी तरह से कनाडा के संविधान पर है, बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलें आगे, अगला क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा, देखिए फरक्का बैराज के निर्माण उद्देश्य नहीं था, तो इसका कौन सा उद्देश्य नहीं था, कह रहे हैं कि बंगाल को बहकर जाने वाले पानी को रोकना, तो यही आला इसका उद्देश्य नहीं था और था। देखिए उद्देश्य का, कोलकाता बंदरगाह पर गाद का जमाव पर रोकन लगाना, ये भी सही था। कोलकाता बंदरगाह के कटाव को रोकना, ये भी सही है। हाँ, इसका उद्देश्य ये था, गंगा नदी में जहाज़ों की आवाजाही को, अच्छा वो नीचे आगे करते हैं ऊपर, सुगम बनाना, तो मतलब ये सही इसका पर्पज था, ये भी पर्पज था, यही नहीं ना, मतलब यही वाला आपको ए नंबर सही हो जाएगा। देखिए नहीं वाला पूछा है। देखिए पश्चिम बंगाल में जो गंगा नदी पर बने फरक्का बांध का निर्माण कार्य 1961 ईस्वी में शुरू हुआ और 1975 में पूरा हुआ, या 21 अप्रैल 1975 से यह कार्य करना शुरू कर दिया था। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका सही ए नंबर ही गलत हो जाएगा। चलें आगे, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी और शिव प्रसाद गुप्त के साथ मिलकर 1921 में वाराणसी में काशी विद्यापीठ की स्थापना की थी, बताइए। तो भाई किसने किया था मिलके, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, भगवान दास। तो कह रहे हैं कि गांधी और शिव प्रसाद गुप्त के साथ मिलकर 1921 में वाराणसी में काशी विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी, तो ये भगवान दास के साथ। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, करें कि निम्नलिखित में से गोल्फ खिलाड़ी, देखिए नहीं वाला पूछा है, नहीं वाला आपसे पूछा है, तो कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर हो जाएगा। देखिए डेविस बेखम जो हैं ये फुटबॉलर हैं, क्या है भैया, फुटबॉलर हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सी नंबर जो हैं डेविस बेखम जो हैं ये कौन से गोल्फर नहीं है, ये फुटबॉलर हैं। और ये जीव मिल्खा सिंह ये आपके गोल्फर हैं, ठीक है, गोल्फ खेलते हैं, टाइगर्स वुड्स हैं, और ज्योति रंधावा ये जो हैं आपके गोल्फ खेलते हैं, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 56। भारत में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है, देखिए भारत में जो है हरित क्रांति के जनक जो हैं, देखिए भारत में जो हरित क्रांति आई 1966 से 67 के बीच में आई, ठीक, इंदिरा गांधी के समय में। तो हरित क्रांति देखिए जैसे गेहूँ हो गया और धान हो गया, जो इनको उत्पादन करने में ज़्यादा से ज़्यादा इसे उत्पादन होने का लक्ष्य रखा गया, तो इसमें हुआ भी आपके काफ़ी ज़्यादा। तो कौन थे भारत के, तो एम एस स्वामीनाथन जो हैं भारत के हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं, ठीक है। और देखिए अगर विश्व के आपसे पूछेगा तो कौन से भैया, विश्व के नॉर्मन बोर लोग, तो ये जो हैं विश्व के हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं, लेकिन भारत के पूछेगा तो एम एस स्वामीनाथन को आपको लगा देना है, ठीक है। चलें आगे, ये अगला क्वेश्चन है 57 का, कह रहे हैं कि लिम्बा राम संबंधित हैं, तो ये खिलाड़ी हैं, तो इन किससे संबंधित हैं, तो कौन से हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तीरंदाजी से, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला है, कह रहे कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, बताइए, तो ये ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर हो जाएगा, 31 मई को, क्यों भाई 31 मई को, ठीक। और देखिए अगला है, 1 जून को क्या मनाया जाता है, 1 जून को दुग्ध दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस इसी दिन मनाया जाता है, 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। और देखिए आपको एक बहुत पूछता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, और जो अब की वाली जो 2022 की थीम क्या थी, मानवता के लिए योग, क्या भाई मानवता के लिए योग, ठीक, ये आप इस बार की थीम भी याद रखिएगा। चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे कि बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यातित किया जा सकता है, तो किसके आधार पर किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा, न्यूटन के गति का पहला नियम,
न्यूटन के गति के पहला नियम। तो न्यूटन का पहला गति का नियम क्या था? पहला नियम था यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, और यदि वह गतिमान अवस्था में रहेगी तो गतिमान अवस्था में रहेगी, जब तक इस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो यही न्यूटन का प्रथम नियम, और प्रथम नियम ही जड़त्व का नियम कहलाता था। ठीक, तो बी नंबर सही हो जाएगा। और उनका तीसरा नियम कौन सा? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। और जो आपका रॉकेट है वो न्यूटन के तीसरे नियम पर काम करता है। आगे चलते हैं, 60 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहे कि कैच में से वर्ड को हटाते ही मुख्य मेमोरी का अद्यतन करने की विधि को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं भैया? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, राइट बैक कहलाता है। क्या कहलाता है? राइट बैक। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है। कह रहे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मैग्नीशियम के साथ साथ परिवर्तन होने पर क्या होता है, मतलब रिएक्शन करने पर क्या होता है? तो HCl प्लस Mg जब रिएक्शन करता है क्या बनाता है भाई? MgCl2 बनाता है। MgCl2 प्लस का क्या बनाता है? H2 हाइड्रोजन गैस क्या करता है? निकालता है। ठीक है, तो ये आपका रिएक्शन है। तो आपको एक्सेप्ट का कौन सा हो जाएगा? ए नंबर आपका सही हो जाएगा। ऑक्सीजन ए नंबर 61 का कौन सा हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा, हाइड्रोजन और मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक, तो ये आपका नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो निम्न से होने वाली बीमारियों के लिए सल्फा दवाइयाँ किसके लिए कारगर हैं? तो सल्फा दवाइयाँ किसके लिए कारगर हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर हो गया, जीवाणु। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, 63। कह रहे कि देखिए नायलॉन धागा किससे बना है? कहने कि नायलॉन धागा किससे बना है? तो ये किससे बना है भी? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, पाल एमाइड से पॉलीमर। तो पाली एमाइड से जो है ये नायलॉन धागा जो है बना हुआ है। ठीक है, देखिए इसका जो है प्रयोग जो है कहाँ कहाँ होता है? जैसे रस्सी, टायर, पैरासूट का कपड़ा इत्यादि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए रेनकोट बनाने में भी नायलॉन का प्रयोग किया जाता है। तो नायलॉन का प्रयोग इसमें समय इसको बनाने में किए थे। देखिए इसकी खोज जो है EIUOTD नीमर्स एंड कंपनी द्वारा की गई थी। खोज के कई वर्षों बाद इसे जादुई तंतु कहा जाता था। इसकी खोज का श्रेय रसायन देखिए डॉक्टर वेलेस तथा उनके साथियों को श्रेय दिया जाता है, नायलॉन की खोज। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कहें किसी गैस का आणविक द्रव्यमान स्पेस होता है, देखिए तो किसके? उसके वाष्प दाब के दोगुना होता है। किसके? किसी गैस का आणविक द्रव्यमान उसके वाष्प दाब के दोगुना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए आणविक द्रव्यमान इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 × वाष्प दाब। ठीक, वाष्प दाब। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि उद्विकास का सिद्धांत किसने विकसित किया था? तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन ने इसका उद्विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाए। तो इस प्रकार 25 क्वेश्चन हो जाते हैं। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया है। देखिए मैंने आपसे कह दिया कि मेरा 1000 सब्सक्राइबर आप पूरा कर दीजिए, मैं आपका आभारी रहूँगा। ठीक, तो आशा करता हूँ ये आपका पसंद है। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर एंड लाइक कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।